सिटी चॅनल बातमीपत्रात पुन्हा आपले स्वागत। मालेगाव शहरातील कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या पाहता मालेगाव मध्ये वैद्यकीय सुविधांविषयी असलेल्या सोयी सुविधांच्या गैरसोयी संदर्भात आणि शासनाकडून मिळत असलेल्या मदतीविषयी मालेगाव शहराचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री आमदार राजेश टोपे यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संवाद साधला। त्यांच्यामध्ये काय बोलणे झाले, काय चर्चा झाली, आपण ऐकूया सिटी चॅनलच्या माध्यमातून। बोलिए बोलिए। नहीं सर, आप आ के गए सर तो हाँ। मैंने अभी क्या किया, हम लोग ने मालेगांव महानगर पालिका के माध्यम से मालेगांव के अंदर अभी अपने 50 बेड का अपने ऑक्सीजन कोरोना सेंटर बना लिया है सर, कंप्लीट हो गया। और वहां पर अगर डॉक्टर से जल्दी भी मिल जाएगा, अगर कल भी मिल गए तो हम परसों तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल देता हूँ। और कॉरपोरेशन का सेकंड उसी कैंपस में 50 बेड और हम तैयार कर रहे हैं जो ऑक्सीजन का है सर, तो उसमें अगर ये पूरा एक ही कैंपस के अंदर हमारा 100 बेड तैयार हो जाते हैं कॉरपोरेशन से, तो सर ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा ताकि जो हमको रिलीफ मिल जाएगी शहर वालों को सर। करता हूँ। डॉक्टर्स का प्रॉब्लम है सर, थोड़ा उतना देख लीजिए। 100% देता हूँ जी सर, है ना सर, इतना बहुत जरूरी है, बस डॉक्टर आ जाएंगे हमारा काम हो जाता है। मैं देता हूँ तुम्हारे को, कहीं से भी लाके उधर से उठा के लाके देता हूँ जी सर। ओके, तुम कितना चाहिए क्या चाहिए वो जरा बैठ के मेरे को बोलो। बैठ के इन्होंने डिमांड कॉर्पोरेशन ने दे दी सर ऊपर, कितने डॉक्टर चाहिए और कौन से टाइप के चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, उतना जरा ठीक से किसी अभी जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर है ना उनके साथ बैठो, डिस्कस करो और मेरे को बोलो। जी सर मैं करता हूँ। और मेरे को अगर फिर आना है तो मेरे को बोलो, मैं आज ही जाता हूँ 2 दिन में। जी सर मैं आपको मैं डिटेल कल दे देता हूँ सर, मेरे को कल आता हूँ। मैंने जैसे तुम्हारे को वादा किया था कि तुम बात किए, मैं बोला आता हूँ। सर आपने वादा किया और आप सब आने के बाद हॉस्पिटल ओपन हुए और काफी रिलीफ हो गया सर यहाँ मालेगांव में। नहीं मैंने तो काफी वहाँ पर काफी यानी मैं और रोज मैं रोज तुम्हारे को लग रहा हूँ, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन रोज सूरज मांडरे से बात कर रहा हूँ, मैं हमारे सिविल सर्जन से बात कर रहा हूँ, हमारे भूसे का भी मेरे को फोन आते रहता है और हम कंटिन्यूस उसके पीछे, मैं और मेरे डिपार्टमेंट को मैं बोला हूँ कि मेरे को मालूम नहीं, जितने मैंने डॉक्टर नर्सेस ये कबूल किया है उतना जाना चाहिए, मेरे को मालूम नहीं सर। दूसरा जैसा कि आप आने के बाद फिर मैं खुद ही फील्डों पे हम लोग उतरे हैं और कंप्लीट जहाँ जहाँ, और मैंने और 2 हॉस्पिटल और सजेस्ट किए कॉर्पोरेशन को कि वहाँ पर भी हम लोग ऑक्सीजन का रेडी करिए, क्योंकि हमको लगता है कि वो बढ़ेगा, ये केसेस बढ़ेंगे मालेगांव में, इसके लिए अपनी फ्यूचर प्लानिंग हमने शुरू की है सर। नहीं तुम अभी सब लोगों को बोलो जिनको भी थोड़ा तकलीफ है ना, आगे आके फटाफट एडमिट हो जाओ, बोलना करा के लो टेस्ट और फटाफट। और एक टेस्टिंग भी तुम्हारा बहुत पेंडिंग है, वो भी मेरे को मालूम है, 300-400 टेस्ट पेंडिंग है, पेंडिंग चल रहा है जी सर, तो उसको भी जरा फास्ट सही करना पड़ेगा जी सर। सर दूसरा एक विषय ऐसा था, धुलिए से प्राइवेट कितना चालू हो गया? प्राइवेट सर सभी लोग ने ओपीडी शुरू कर दिया। वेरी गुड, कम्प्लीट ओपीडी शुरू हो गया है और अब उससे काफी रिलीफ हुआ है सर। सर दूसरा विषय ऐसा था ना, धुलिए से फोन आ रहा था, धुलिए में हॉस्पिटल बंद है कई और वहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो रहा है, धुलिए के कई कार्यकर्ताओं का फोन था सर। यानी मुस्लिम एरिया में या वहाँ पर क्या किसका? मुस्लिम एरिया के अंदर जो पॉजिटिव केसेस आए तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो मुस्लिम एरिया के भी डॉक्टर्स और बाकी अदर भी ये लोग शायद हॉस्पिटल बंद कर दिए, बोलते नहीं ले रहे हम, ऐसा विषय है सर वहाँ का भी। ठीक है, मैं दुर्गा भी मैं जाके आता हूँ सर। आप हाँ उनको फोन पे भी अगर कलेक्टर से बात होगी तो कर सकते हैं। करता सर मैं कल आपको देता हूँ सर, फोन मेरे को यादें आनी चाहिए, उसके बाद मैं करूँगा फटाफट। कल सर मैं दे दूंगा दोपहर तक यादें। ओके आसिफ भाई, ध्यान रखो अपने अपने एरिया में घूमो। हाँ सब लोग घूम रहे सर, घूमते सर, लेकिन तुम तुम्हारा ख्याल रखो। जी सर जी सर, हम बराबर कर रहा हूँ सर मैं एहतियात। तुम किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, तुम थोड़ा डिस्टेंस करके ये मास्क पहन के या ये करके करो प्रॉपर, जैसे गाड़ी में ड्राइवर और मैं रहता हूँ और फील्ड पे जाता हूँ तो मैं डिस्टेंस काफी रखता हूँ और चेक कर लिए क्या खुद को? जी जी मैंने पॉजिटिव चेक किया हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सर। महान योद्धा आणि शौर्य तसेच साहसाचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे महाराणा प्रताप यांची आज जयंती आहे। त्यांच्या जयंतीनिमित्त धुळे शहरातील स्वस्तिक चित्र मंदिर परिसरातील श्री महाराणा प्रताप यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास समाज बांधवांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले। यावेळी सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात आले। भारत भूमीने अनेक शूरवीर या धरतीवर जन्माला घातले आहे, त्या वीरांना एक इतिहास लाभला आहे, त्यांच्या शौर्याचे पोवाडे घाईले जातात, त्यांचा वीर कथांमधून आजच्या तरुण पिढीमध्ये चैतन्य निर्माण होते,
अशा महान वीरांपैकी एक महान योद्धा आणि साहसाचे व शौर्याचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे श्री महाराणा प्रताप यांची आज जयंती आहे. महाराणा प्रताप यांचा जन्म 9 मे 1540 रोजी कुंभलगड दुर्ग पाली येथे झाला होता. एक अत्यंत पराक्रमी राजा अशी त्यांची ओळख आहे. सकाळी धुळे शहरातील जुन्या महानगरपालिकेजवळ असलेल्या महाराणा प्रताप यांचा पूर्णाकृती पुतळ्यास समाज बांधवांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी शिवराणा ग्रुप यांच्या वतीने देखील अभिवादन करण्यात आले. या प्रसंगी डॉक्टर दरबारसिंग गिरासे, प्राध्यापक जसपाल सिसोदिया, प्राचार्य व्ही डी सिसोदिया, महाराणा प्रताप हायस्कूलचे चेअरमन श्री वाल्मिक पवार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक उत्तम सिंग राजपूत, गोकुळ राजपूत, शिवराणा ग्रुपचे अध्यक्ष तेजपाल सिंग गिरासे, ऍडव्होकेट शैलेश राजपूत, विकास भांबरे, जगदीश राणा, अभिराज परदेशी, विक्की गिरासे, सचिन राजपूत, पुष्कर राठोड, डॉक्टर महेंद्र सिंग गिरासे आदी समाज बांधव उपस्थित होते. श्री महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त यावेळी समाज बांधवांनी रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. कोरोना विषाणूने संपूर्ण जगात उच्चात मांडला आहे. प्रथम चीन मध्ये तुंबाकूळ घालणारा विषाणू झपाट्याने जगभरात पोहोचला. भारतात देखील या कोरोनाने दहशत निर्माण केली आहे. यापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि याला आळा घालण्यासाठी प्रशासन विविध उपाययोजना करीत आहे. प्रशासनाच्या आवाजाला प्रतिसाद देत धुळे शहरातील इंदिरा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मुकुंद कोडवले यांनी स्वखर्चातून विविध उपक्रम राबविण्याचा संकल्प हाती घेतला आहे. देशासह राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढतच आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन व सर्व शासकीय यंत्रणा वेळोवेळी विविध उपाययोजना करीत आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांना आवाहन करण्यात येते. प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत धुळे शहरातील इंदिरा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मुकुंद कोडवले यांनी स्वखर्चातून विविध उपक्रम राबविण्याचा संकल्प हाती घेतला आहे. त्या अनुषंगाने मुकुंद कोडवले यांच्या मार्फत प्रशासनाने घोषित केलेल्या कंटेनमेंट झोन मधील स्नेहनगर परिसरातील डीडीसी बँक आणि पोस्ट ऑफिस येथील परिसर निर्जंतुकीकरण करण्यात आला. यामुळे रामादादा सोनोने आणि स्नेहनगर परिसरातील नागरिकांनी मुकुंद कोडवले यांचे आभार व्यक्त केले. आमच्या धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हिरेभवन शाखा येथे आज आम्ही संपूर्ण शाखा व आजूबाजूचा परिसर श्री मुकुंद भाऊ कोळवले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी नगरसेवक यांच्या मदतीने आम्ही संपूर्ण परिसर आमच्या शाखेचा व पोस्ट ऑफिसचा परिसर सॅनिटाईज करून घेतला आहे. या 23/4/2020 रोजी याच परिसरामध्ये स्नेहनगरमध्ये एक कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्यामुळे ही शाखेचा परिसर आमचा प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून शासनाने जाहीर केला होता. तो आज रोजी म्हणजे दिनांक 7/5/2020 रोजी सूक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून शासनाने घोषित केल्यामुळे आमची 14 दिवसापासून बँक बंद होती. आजच आम्ही बँकेची कामकाज सुरुवात आज केलेली आहे. तरी आम्ही शाखेच्या वतीने श्री मुकुंदभाऊ कोळवले यांचे सर्वांनी आभार मानतो, कारण की त्यांनी आम्हाला संपूर्ण शाखा सॅनिटाईज करून दिल्याबद्दल. पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर. धुळे शहरात राज्य राखीव दलाच्या 7 जवानांसह 18 रुग्णांना झाली कोरोनाची लागण. धुळे शहरातील कंटेनमेंट झोन मध्ये करण्यात आली वाढ. मालेगाव मधील कोरोना बाधित रुग्णांवर मालेगाव मध्येच करण्यात यावे उपचार. धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील यांनी व्यक्त केली प्रतिक्रिया. चार दिवसांपूर्वी जिल्हा रुग्णालयातून पळालेल्या कोरोना बाधित परप्रांतीय रुग्णाचा अद्याप तपासणी लागल्यामुळे धुळेकर झाले भयभीत. मालेगावातील वैद्यकीय सुविधांविषयी मालेगावचे माजी आमदार यांनी केले आरोग्य मंत्र्यांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संभाषण. महान योद्धा, साहस आणि शौर्याचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त पूर्णाकृती पुतळ्यास केले अभिवादन. आणि जनसेवक मुकुंद कोडवले यांच्या माध्यमातून धुळे शहरातील स्नेहनगर परिसरात करण्यात आले निर्जंतुकीकरण. याबरोबरच सिटी चॅनल बातमीपत्र संपलं. मी पंकज पाटील आपली रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत नमस्कार.